हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास सिक्स विज्ञान चैप्टर सेवन पौधों को जानिए। इसका आज हम पार्ट सिक्स पढ़ने वाले हैं और पार्ट फाइव तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इस पार्ट के अंदर जो है वो हम पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि भाई पुष्प होता क्या है, तो उसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक पुष्प के बारे में एक क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें जो आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है वो कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? आवश्यक सामग्री, इस यदि क्रियाकलाप को करें तो कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? तो एक पुष्प कली का और किसी पौधे के दो पुष्प, एक पुष्प कलिका तथा किसी पौधे के दो पुष्प। कम से कम कोई भी पौधा है उनके दो पुष्प हमें लेने हैं, जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों। जैसे धतूरा गुड़हल है, गुलाब और सरसों। तो या तो हम धतूरा ले सकते हैं, गुलाब ले सकते हैं, गुड़हल ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, भिंडी, बैंगन, गुलमोहर, या हम भिंडी ले सकते हैं, बैंगन हम ले सकते हैं और गुलमोहर। तो इन पौधों गुलमोहर, तो ये जो पौधे हैं उन पौधों में से किसी एक पौधे के हमें दो पुष्प की आवश्यकता होती है। उसके बाद में एक ब्लेड, स्लाइड और कागज, आवर्धक लेंस और जल। ब्लेड है, कागज है, स्लाइड, स्लाइड की भी हमें आवश्यकता पड़ती है और आवर्धक लेंस तथा जल। तो ये जितने भाग हैं इन सभी भागों की हमें आवश्यकता होगी। जब ये क्रियाकलाप हम एक स्लाइड के रूप में जब इसको बनाते हैं तो हमें इन भागों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक। अब ये जो रंगीन भाग पंखुड़िया कहलाती है, जो खिले हुए पुष्प होते हैं, खिले हुए पुष्प के रंगीन भाग पंखुड़ियाँ कहलाती हैं। जो पुष्प के रंगीन भाग होते हैं उन रंगीन भागों को किस नाम से जानते हैं? पंखुड़ियों के नाम से जानते हैं, या हम दल, या इसका दल भी बोल सकते हैं, या फिर जो पंखुड़ी है उस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और जो तरह तरह के पुष्प हैं तो विभिन्न पुष्पों में, विभिन्न पुष्पों में पंखुड़ियां भी भिन्न भिन्न हो सकती है, पंखुड़ियां भी भिन्न भिन्न होती है। और जो तरह तरह के पुष्प होते हैं उन सभी पुष्पों में जो पंखुड़ियां हैं वो पंखुड़ियां भिन्न भिन्न रंगों की हो सकती है या भिन्न भिन्न हो सकती है। पुष्प पर छोटी पत्तियों के समान संरचना बाह्य दल कहलाती है। पुष्प पर छोटी पत्तियों के समान संरचना बाह्य दल कहलाती है, ठीक है। तो छोटी जो संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को हम किस नाम से जानते हैं? बाह्य दल के नाम से जानते हैं। छोटी पत्तियों के समान संरचना होती है जिन्हें बाह्य दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके उपरांत
हमें ये ध्यान रखना है जो पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा करती है। अब ये जो बाह्य दल है उसका कार्य क्या है, जो पुष्प के आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करने का जो जिम्मा है वो किसका होता है, जो बाह्य दल होते हैं वो क्या करते हैं, हरे रंग की होती है, पत्तियों के समान संरचना होती है, और जो आंतरिक भाग है उनकी सुरक्षा करते हैं। कौन करते हैं? बाह्य दल उसके आंतरिक भागों की सुरक्षा करते हैं। अब बात आती है कि जो पुष्प के आंतरिक भाग हैं उन पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए तो हम क्या लिख सकते हैं, आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किनके पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम क्या करते हैं, बाह्य दल वह दल को हटा देते हैं, इसको बाह्य दल वह दल या हम बोल सकते हैं पंखुड़ियों को हटा देते हैं। अब जब इनको हटा देंगे उस स्थिति में हटा देते हैं तो पुंकेसर व स्त्रीकेसर को आसानी से देख सकते हैं। तो पुंकेसर और जो स्त्रीकेसर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि बाह्य दल और दल होते हैं वो पुष्प के सहायक चक्र की श्रेणी में आते हैं। ये किस चक्र में आते हैं? सहायक चक्र। और जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं वो होते हैं उसके जनन चक्र में। इसका मतलब जनन की प्रक्रिया में ये जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर वाले भाग होते हैं वो शामिल होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। और जो पुष्प के केंद्रक में जो भाग होता है उस भाग को किस नाम से जानते हैं, स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है, या हम बोल सकते हैं पुष्प के केंद्रक वाला भाग किस नाम से जाना जाता है, स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है। जो केंद्रक वाला भाग होता है उस भाग को किस नाम से जाना जाता है, स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। अब हम जो अगला ये हमने स्लाइड बनाई, ये जितने भी भाग हैं तो हमने पत्ते पुष्प लिया उसकी हमने स्लाइड बनाई, तो स्लाइड बनाने पर हमें कुछ संरचनाएँ दिखती है जिनको हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसमें देखो एक सामान्य या हम बोल सकते हैं एक प्रारूपिक जो पुष्प होता है वो एक प्रारूपिक पुष्प है उसकी संरचना कैसी होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो वो सब जो है वो हम देखने वाले हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। एक प्रारूपिक जो पुष्प है उसकी जो यदि हम संरचना देखें तो उनकी संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं तो वो सब हमें इसमें ध्यान रखना है। तो यदि हम पुष्प की संरचना का डायग्राम बनाएं तो हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। ये एक सामान्य पुष्प की संरचना बनाते हैं, ये एक प्रारूपिक पुष्प है, ठीक है। और यहां से
ये हमने पुंके सर जो है वो बना दिए ये, और ये बीच वाला जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम देखें ठीक, ये हमने एक प्रारूपिक जो पुष्प होती है उसकी जो स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है वो हमने सामान्यतः दर्शाई है। ये पराग कोष होता है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, और ये जो पूरा भाग होता है उसको बोलते हैं पुंके सर, और ये जो भाग होती है इसको बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं, योजी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, योजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र, ये नलिनुमा भाग होता है उसको बोलते हैं वृत्तिका, और ये जो भाग होता है फुला हुआ इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय, और इस समस्त को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। किस नाम से जानते हैं, स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। ये हमने देख लिए पुंकेसर की स्ट्रक्चर है, ये बाह्य दल होता है और ये होता है दल, या हम बोल सकते हैं पंखुड़ी, ठीक है। और ये जो पुष्प है उसके सहायक चक्र होते हैं, और ये जो भाग होते हैं स्त्री केसर और पुंकेसर ये पुष्प के जनन चक्र होते हैं, ठीक है। ये फुला हुआ भाग हमने क्या बनाया, अंडाशय होता है, अंडाशय में जो संरचनाएं दिख रही है बीच में इसको बोलते हैं बीजांड, बीजांड, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे, बीजाणु। और ये जो पुष्प है ये पुष्प जो है वो वृंत के ऊपर जुड़ा रहता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, पुष्प वृंत के नाम से जानते हैं, यानी पुष्प का वह भाग जो वृंत, यानी पुष्प का वह भाग जो तने से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं पुष्प वृंत। बाह्य दल क्या करता है, पत्तियों के समान संरचना होता है जो आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। दल या पंखुड़ी जो है वो पौधे का जो पुष्प का कलर है वो निर्धारित करते हैं, ये सहायक चक्र होते हैं बाह्य दल और दल। उसके बाद में आता है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर की यदि हम बात करें तो ऊपर का जो भाग होता है कीप नुमा उसको बोलते हैं वृत्तिकाग्र, नली नुमा जो भाग होता है उसको बोलते हैं वृत्तिका, और बीच में जो फुला हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसी प्रकार जो तंतुनुमा संरचना होती है एक पुंकेसर की हम बात करें तो उसमें तंतुनुमा संरचना को बोलते हैं योजी, जो ये जो पुष्प है जो अंडाशय वाला भाग है उसको जोड़ने का कार्य करती है, जो पराग कोष है और जो अंडाशय वाला भाग है उसको जोड़ने का, अर्थात हम बोल सकते हैं अंडाशय के लगभग जो जुड़ी संरचनाएँ हैं उसको हम क्या बोलते हैं, खासकर योजी कहते हैं। जो पुंकेसर होता है इसका फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, परागकोष कहलाता है, और इसमें जो नर युग्मक जिसको हम बोलते हैं नर युग्मक और नर युग्मक क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम बात करें अंडाशय की तो फूला हुआ भाग अंडाशय होता है और इसमें एक संरचना होती है जिसे बीजांड कहते हैं, और बीजांड में मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बीजाणु के नाम से जानते हैं। तो एक सामान्य जो पुष्प है उसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब एक क्रियाकलाप के द्वारा ये जो चैप्टर है इसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो अगला एक क्रियाकलाप हम देखते हैं, और इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है,
तो इस क्रियाकला में हमें यही ध्यान में रखना है कि पुष्प का अंडाशय स्त्री केसर का निचला भाग फूला हुआ भाग होता है। हमें पता है पुष्प जो है उसका जो अंडाशय है वो स्त्री केसर के नीचे जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, अंडाशय होता है। तो ये हमने जो संरचना अभी तैयार की तो उसमें हमने देखा था, ठीक है। और जब इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इस अंडाशय को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तरीके से जब इसको काटा जाता है, किसको, इस अंडाशय को, या तो क्षैतिज हो गई और ये ऊर्ध्वाधर हो गई, तो इस प्रकार इसको काट के इसकी क्या बनाते हैं, अस्थाई स्लाइड बनाते हैं। और इन अस्थाई स्लाइड को हम क्या करते हैं, अस्थाई स्लाइड को जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब इस अस्थाई स्लाइड को देखा जाता है, ठीक है, तो हमें स्लाइड पर हमें अंडाशय में गोल गोल संरचनाएं दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस अंडाशय की जब हमने अस्थाई स्लाइड बनाई तो इस अस्थाई स्लाइड पर गोल गोल संरचनाएं होती है जो हमने डायग्राम में देखे थी। ये गोल गोल संरचनाएं क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती है, बीजांड के नाम से इन संरचनाओं को पहचाना जाता है, ठीक है। और ये जो बीजांड होते हैं इसमें मादा युग्मक होते हैं। क्या पाए जाते हैं, मादा युग्मक, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे बीजाणु के नाम से जाना जाता है। तो बीजांड में मादा युग्मक होते हैं और जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बीजाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक। इस प्रकार हम और अधिक पुष्पों की स्लाइड बना सकते हैं, तो और जैसे और अधिक पुष्प, तो ये जो हमने पौधे लिए इन पौधों के अलावा हम और पौधे ऐसे हैं उनके पुष्प की हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर काट के हम और अधिक स्लाइड का निर्माण कर सकते हैं। और इन पुष्पों की स्लाइड बना के इन पुष्पों में आपस में तुलना कर सकते हैं कि इनकी जो संरचना है उसमें कौन कौन सी अंतर जो है वो हम देखते हैं। और जब इन अंतर को प्रकट करते हुए हम ये जो पुष्प हैं उन पुष्पों के साथ उनका वर्गीकरण है उसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हमने ये आज का हमारा वीडियो रहा था, तो उस वीडियो के अंतर्गत हमने जो पुष्प है तो पुष्प के बारे में पढ़ा था। एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना हमने देखी थी और उसमें हमने ये भी देखा था कि जो एक प्रारूपिक पुष्प होता है उस पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एक तो सहायक चक्र होता है और एक होता है जनन चक्र। सहायक चक्र जो होता है उसमें ये बाह्य दल और दल को सम्मिलित किया जाता है, और जो जनन चक्र होता है उसमें पुंकेसर व स्त्री केसर को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। अब जो बाह्य दल होता है वो क्या करता है, आंतरिक भाग होते हैं पुष्प के उनको सुरक्षा देता है। दल रंगों का निर्धारण करती है जिसे हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर जो होते हैं उसमें पराग कण होते हैं जिसे नर युग्मक बोलते हैं, और स्त्री केसर में बीजांड होते हैं जिसमें बीजाणु होते हैं और जिसे मादा युग्मक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ बातें हैं उसको हमने इस वीडियो के अंतर्गत जाना। उसके साथ ही हमने जाना कि एक तो सहायक चक्र और एक होता है जनन चक्र कौन कौन से होते हैं। अब देखो इसमें जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर, पुंकेसर व स्त्री केसर, यदि किसी पुष्प में दोनों जनन भागों को छोड़कर केवल एक ही जनन भाग हो तो ऐसे पुष्प को कौन से पुष्प बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प, जैसे धतूरा जो है एक लिंगी पुष्प होता है। इसी प्रकार जैसे किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो
तो ऐसे पुष्पों को हम कौन से पुष्प बोलते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प के नाम से जाना जाता है। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, तो वे पुष्प जिसमें एक जनन अंग उपस्थित हो अर्थात पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं, और जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो ऐसे पुष्पों को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो इस प्रकार इस पार्ट 6 के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।